खबर यूपी के जनपद बिजनौर से, जहां तहसील नजीबाबाद के ग्राम मूसेपुर में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम सुगंध संस्थान अनाथ दिव्यांग आश्रम मूसेपुर और जिला दिव्यांग जन सम्मेलन जिला बिजनौर के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि निवर्तमान सांसद राजा भारतेन्द्र सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राजा भारतेन्दु सिंह ने सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम दिव्यांग बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात दिव्यांग बच्चों के द्वारा स्वागत गीत एवं लघु नाटक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान राजा भारतेन्द्र सिंह के द्वारा दिव्यांग बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। नजीबाबाद के गांव मूसेपुर दिव्यांग आश्रम पर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम सुगंध संस्थान अनाथ दिव्यांग आश्रम मूसेपुर और जिला दिव्यांग जन सम्मेलन जिला बिजनौर के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि निवर्तमान सांसद राजा भारतेन्द्र सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राजा भारतेन्द्र सिंह ने सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम दिव्यांग बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात दिव्यांग बच्चों के द्वारा स्वागत गीत एवं लघु नाटक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान राजा भारतेन्द्र सिंह के द्वारा दिव्यांग बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने संबोधन में कहा गया कि दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है। दिव्यांग लोगों का प्रभु से सीधा संपर्क होता है। जो दिव्यांग लोगों का मजाक बनाते हैं एवं उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तो ईश्वर उनको कभी माफ नहीं करता। बिजनौर से बीके राय की रिपोर्ट। सलाहकार बोर्ड उत्तर प्रदेश की सदस्य हूँ और मेरे को तन मन से बस 8 वर्ष की उम्र से ये था कि मैं उनके काम आऊँ जिनको माँ भी पैदा करके बचता। इनके तो चलो माता पिता है ही नहीं, लेकिन मेरे को बड़ा आनंद आता है इनकी सेवा में। बस मैं चाहती हूँ जब तक मेरा साथ चले, मैं आयुष्मान संस्थान में बच्चों की सेवा ही कर। कमलेश जी, तीन चार बच्चे ले आई थी और पूरी भावना से और पूरी श्रद्धा से उनका काम कर रहे हैं। आज तो गौतम बहुत बड़े हो गए, अब इनके बच्चे अब बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं दोनों। मगर उस समय इतनी व्यस्त हो गई थी ये 4-5 बच्चे जो आ गए उनके काम में कि इन्हें गौतम को इनकी बहन को इनकी ननसाल को तो बड़ी मेहनत से बड़े समर्पण से इस काम को शुरू किया गया था। ये गड्ढा था, पानी भर जाता था, ढलान हुआ। हमें तो हमारा तो केवल हमें मौका मिला इस यात्रा में अपना हाथ लगाने का, मगर ये बड़ी लंबी यात्रा रही है। 2.5 साल की यात्रा है, बहुत छोटे से शुरू किया गया था और बहुत ही शुभ काम और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ MBBS डॉक्टर हैं, कुछ अधिकारी हैं और अपने अपने कुछ बहुत सारे बच्चों की यहाँ से शादियाँ हो गई हैं, माएँ हैं, गिरी तक मेहरबान होता है। और इसकी सबसे ज्यादा बधाई बात महेश जी और डॉक्टर साहब गौतम जिन्होंने अपना बचपन अपने मामा के पास गुजारा है, इतना काम इकट्ठा कर लिया था उन बच्चों की सेवा के लिए। और हमारे एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर अस्पताल बनवाया और फिर उसके साथ साथ एक वृद्धाश्रम भी बनाया, क्योंकि कमलेश जी के शुरू से दिल में ये भावना थी कि बच्चों को प्यार मिलता रहे और वृद्धों को प्यार करने का एक और भविष्य में की ओर देखने का एक माध्यम बने विकलांग बच्चों की ओर से और वृद्धों को भी मौका मिला। तो इस तरह से बहुत ही छोटे 4-5 बच्चों को लेकर जो कार्य शुरू किया गया था एक गड्ढे में सड़क के किनारे लेकर था, तो ऐसे आहिस्ता आप देखते हैं कितना सुंदर और भव्य हो गया।